जय हिंद, सभी का स्वागत एक और वीडियो में। ये वीडियो नया नहीं है, बल्कि अप्रैल या मई के महीने में मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसका नाम था गूंज फेलोशिप को लेकर। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, 20-22 मिनट का वीडियो है। उसी वीडियो में बहुत से सवाल आए, और क्योंकि ये फेलोशिप का वीडियो था, गूंज फाउंडेशन फेलोशिप निकली थी उसको लेकर, तो इसी फेलोशिप को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी डेट 24 मई या 30 मई थी, जिसको बढ़ाकर अब 10 जून कर दिया गया, यानी कि कल 10 जून है, आप कल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फेलोशिप क्या है, कैसे काम करती है, क्या आपको करना है, सबकी जानकारी पूर्व के वीडियो में दे चुका हूँ। कौन से बच्चे भर सकते हैं और क्या आप कुछ नए अपडेट आए हैं उसकी बातचीत करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चनों का डिज़ाइन होता है उसकी भी बात करूंगा आपसे इसी वीडियो में। और क्वेश्चंस के जवाब आपको कुछ लिमिटेड एरिया में देने हैं, लिमिटेड वर्ड में देने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना है और ऑनलाइन माध्यम से ही एंट्रेंस देना है, और ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ही आपका एंट्रेंस ले लिया जाएगा। आपने सही सुना, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ही आपका एंट्रेंस ले लिया जाएगा। कुछ आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे फॉर्म भरते वक्त में, और जो सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे वही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ संभावित सवाल क्या हो सकते हैं, उनके जवाब आपको कितने और किस फॉर्मेट में देने हैं, उसकी मैं आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, 10-12 मिनट का वीडियो होगा। और गूंज फाउंडेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने महीने की फेलोशिप है, कितना पैसा मिलता है, कैसे फील्ड में आके काम करना पड़ता है, क्या एलिजिबिलिटी, ये सारी जानकारी उस लास्ट वाले वीडियो में दे दी गई थी। और जब ये वीडियो समाप्त होगा ना, इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, कि यह फेलोशिप करियर के लिए कैसे काम करती है, इसका जवाब दिया जा चुका है डिटेल में। इस फेलोशिप को जरूरी करना है या नहीं, यानी कि बहुत सी फेलोशिप निकलती हैं, गांधी फेलोशिप है, गूंज फेलोशिप है, अजीम प्रेम जी फेलोशिप है, तो कौन सी फेलोशिप सही है और क्या गूंज फेलोशिप आपके लिए करना ठीक है या नहीं, क्या इस फेलोशिप को रेगुलर माध्यम से किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल। और फेलोशिप में काम कैसे करेंगे, क्या फेलोशिप गाँव में रहकर काम करवाती है या शहरों में रहकर काम करवाती है। ठीक है, क्या ये फेलोशिप हम बीच में छोड़ सकते हैं या नहीं, ये फेलोशिप क्या रेजिडेंशियल होती है, इस फेलोशिप के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी आयु सीमा या योग्यताएं क्या हैं, ये सभी जानकारी उस लास्ट वाले वीडियो में दे दी गई थी। ठीक है, आज मैं आपसे बात उन सब की नहीं करूंगा, आपसे बात मैं करूंगा प्रवेश परीक्षा के लिए, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे कैसे सवाल आएंगे, जवाब कैसे देने हैं और किन किन चीज़ों को आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू के रिगार्डिंग कल लास्ट डेट है, याद रखिएगा। और फॉर्म भरते वक्त कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी। आप अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हो या अपने मास्टर्स के अंतिम वर्ष में हो, एमफिल में हो, पीएचडी में हो, कोई भी भर सकता है, लेकिन शर्त यही है आपकी कि ये जून चल रहा है, अगला महीना जुलाई का है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2021 तक यदि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और यदि आप 1 जुलाई 2021 तक आप 30 साल के हो जाते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यदि आप 29 साल कुछ महीने के हैं और 1 जुलाई से पहले यदि आप 29 साल 11 महीने कुछ दिन के हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 1 जुलाई को, मान लीजिए किसी का जन्मदिन आता है 2 जुलाई को, तो वो हो गया 30 साल 1 दिन का, तो वह कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। और यदि कोई कैंडिडेट 21 वर्ष से कम का है और 30 वर्ष से ज़्यादा का है, वे भी अप्लाई नहीं कर सकता है, चाहे बॉयज़ है, चाहे गर्ल्स है, चाहे ट्रांसजेंडर है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, और स्नातक होना अनिवार्य है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अंतिम सेमेस्टर के हैं अप्लाई कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मास्टर्स हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, भर सकते हैं, पीडीएफ हो, लेकिन 30 साल से कम होने चाहिए। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चनों के प्रारूप पर। सबसे पहले थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा फॉर्म्स के अंदर, आपका नाम, एकेडमिक रिकॉर्ड, माता पिता, आपकी जॉब, ईमेल आईडी, ये दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ जर्नल सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और ये जर्नल सवाल कुछ फील्ड से संबंधित होंगे। पहले आप फील्ड को समझ लीजिए, सोशल वर्क, नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप, थोड़ा सोशल साइंस बैकग्राउंड से होंगे, सोशियोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, साइकोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, और आपकी हॉबीज या एबिलिटी को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। ठीक है, सवाल का मैं प्रारूप बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, स्वयं का वर्णन करना है आपको, अपने बारे में अपने आप को डिस्क्राइब करना है आपको 2-3 वाक्यों में। आप में क्या है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज
योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए, अपने बारे में आप क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या छुपाना चाहेंगे, इसी को जांचने पर रखने के लिए ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है कि अपने बारे में बताइए दो या तीन वाक्यों में। इस बात का ना कि ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, तीन वाक्य, चार वाक्य, पांच वाक्य। जब आप फॉर्म भरेंगे आपको एरिया फिक्स दिया गया होगा कि आपको इतने ही वर्ड में क्वेश्चनों को लिखना होगा, उसके जवाब को लिखना होगा। अपना जवाब आप दो भाषाओं में दे सकते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में, लेकिन सवाल का जवाब बायलिंगुअल नहीं दे सकते हैं, या हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, आपको यदि हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप रोमन इंग्लिश में टाइप करके भी अपना जवाब को दे सकते हैं, या फिर अपने जो सवाल के जवाब हैं उसको कहीं पीडीएफ फाइल में या एमएस वर्ड में या किसी ट्रांसलेशन से टाइप कर लीजिए हिंदी या इंग्लिश में, और उसको यहाँ आके पेस्ट भी कर देंगे, चल जाएगा, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अपने आप को आपको एक्सप्लेन करना है तीन से चार वाक्यों में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि आप गूंज फेलोशिप करना क्यों चाहते हैं या करना क्यों चाहती हैं, क्या उद्देश्य है मोहतरमा आपका, क्या उद्देश्य है साहिब आलम आपका कि आप इस फेलोशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें स्पष्टीकरण दीजिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी और एग्जाम के रिगार्डिंग भी। और कम से कम इसका जवाब आपको इंटरव्यू अगर होगा तो दो से तीन मिनट में इसका जवाब दीजिएगा, और जब लिखने के लिए आएगा तो कम से कम 500 शब्दों में इसका जवाब दे दीजिएगा। जी हाँ, 500 वर्ड्स में लेंथी क्वेश्चन होगा कि आप इसको क्यों करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि आपकी प्रमुख रुचियां और क्रियाकलाप क्या है। इसको आम भाषा में समझिए कि आप किस किस प्रकार की हॉबीज को पसंद करते हैं, किन किन चीजों में आपकी रुचि है पहली चीज, और किस किस प्रकार के कार्यों को करने में आपकी रुचि है, कार्य क्रियाकलाप, यानी कि आपके किस किस प्रकार के एक्टिविटी को करना चाहते हैं, करना पसंद है आपको, इसके बारे में। इन दोनों रुचि अलग है और आपकी क्रियाकलाप अलग है, दोनों को अलग अलग सवाल कीवर्ड्स है, लेकिन जवाब आपको कंबाइन करके मिक्स करके देना है लगभग 150 वर्ड में। एक और 150 वर्ड में आपसे सवाल पूछा जाए, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछे गए सवाल हैं, हो सकता है आपसे भी पूछे जाए या हो सकता है कुछ नया हो, लेकिन ये सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपके जीवन के अनुभव ने आपके व्यक्तिगत को कैसे प्रभावित किया है, यानी कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, हर किसी के जीवन में घटती हैं, कुछ घटनाओं से हमको सकारात्मक कार्य करने की सोच मिलती है और कुछ कार्य को करने से हमारे जीवन में कुछ नकारात्मकता आ जाती है। तो आपके जीवन में ऐसी कुछ घटना घटी हो, चाहे लड़के हैं या लड़की हैं आप, चाहे बाल्यावस्था में रहे हों, अभी युवा अवस्था में हो, या अभी आप अकेडमिक अवस्था में भी हो सकते हैं, कोई विद्यार्थी जॉब भी कर रहे हों, तो ऐसी कोई घटना घटी हो जिसने आपके जीवन को कोई सकारात्मक डायमेंशन दिया हो या कोई नकारात्मक दिशा में आपको ले गया हो, तो उसके बारे में आपको जिक्र करना है, और उस घटना ने आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया हो, चाहे परिवर्तन सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। 150 से लेकर 100 शब्दों में इसके जवाब को आप लिखिएगा। एक सवाल और पूछा जाएगा कि जो ये घटनाएं घटी आपके जीवन में, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इसको लेकर आपने कोई उपलब्धि प्राप्त की क्या, कोई कामयाबी प्राप्त की है क्या, कोई एक ऊंचे स्तर को प्राप्त किया है क्या आपने, कोई घटना घटी जो आपके जीवन, अगर आपके जीवन में कुछ नकारात्मक घटा है तो आपने लाइफ में क्या पाया, या फिर कुछ सकारात्मक घटा है आपके साथ, कुछ हुआ है तो आपने क्या पाया, इसको भी एक्सप्लेन करना होगा एक सवाल के जवाब में, 50 से लेकर 100-150 पद में आपको देना होगा। ठीक है, एक सवाल लेंथी क्वेश्चन आएगा और ये बहुत जनरल नॉलेज कह लीजिए, रेलेवेंस कह लीजिए, और हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, चाहे फॉर्म भरने की आयु 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, या 30 वर्ष हो, 25 वर्ष हो, मेल हो, फीमेल हो, भारत नहीं दुनिया के किसी भी देश में, राज्य में, जिले में, डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, ये सवाल से रूबरू होगा, लॉकडाउन कि लॉकडाउन 2020 के दौरान या 2021 के दौरान, लॉकडाउन 2020 या 21 के दौरान आपने किन किन चुनौतियों का अनुभव किया, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने आई, और आपने उन चुनौतियों का यदि सामना किया तो आप उससे कैसे संभले, कैसे अपने आप को आपने इनबिल्ड किया, दोबारा से रिसेट किया, खड़ा किया। ठीक है, और आपने उनसे क्या सीखा, तीन चीजें समझिए। पहली चीज कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है लॉकडाउन। अब उस लॉकडाउन का अनुभव आपका 6 महीने 2021 का भी हो सकता है और पिछले 9 महीने 2020 का भी हो सकता है, यानी कि 9 महीने 2020 के और 6 महीने 2021 के मिला के हो जाते हैं 1.5-1.75 साल, यानी कि 15 महीने। इन 15 महीनों में आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है उनको पहले लिखिए, फिर उन चुनौतियों का सामना किया तो आपने किस प्रकार से किया, कैसे उससे निकले। आपको आर्थिक समस्याएं हुई,
विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की समस्या हुई, शिक्षक है तो टीचिंग की समस्याएं हुई, कहीं कर्मचारी हैं तो आपको आर्थिक समस्याएं हुई, हाउस वाइफ हैं तो आपको पारिवारिक और बजट की समस्याएं हुई, कोई किसी गांव के एरिए में रहता है तो वहां की समस्याएं तो विकराल होती हैं, पर उन समस्याओं का समाधान भी करने के तरीके नए नए होते हैं, तो आपने कैसे उससे निजात पाई, और निजात पाई अगर आपने तो पॉजिटिव रही नेगेटिव रही, उनसे आपने क्या क्या सीखा क्या क्या समझा, उसके बारे में डिटेल में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैंडेटरी क्वेश्चन होगा ये, चाहे यहाँ लॉकडाउन रख दिया जाए शब्द, चाहे यहाँ कोरोना रख दिया जाए, याद रखिएगा कोरोना या लॉकडाउन को लेकर एक सवाल आना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और यही क्वेश्चन तय करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। 10 जून लास्ट डेट है, सवाल अभी बाकी हैं, बीच में कुछ चीज़ें याद आई बता देता हूं, और फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही भरिएगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के साथ ही आपके पास एक कोड आएगा या कन्फर्मेशन मेल आएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और फॉर्म भरते वक्त यदि कोई चीज़ें आप गलत भरेंगे या अधूरी भरेंगे, मान लीजिए किसी सवाल का जवाब आपसे 500 वर्ड में मांगा गया है, आपको नहीं सूझ रहे हैं, आपने 100 वर्ड में ही लिख दिया, सबमिट नहीं होगा सवाल। 500 वर्ड मांगा है तो 450, 480 कम से कम लिखिएगा, और कोई लिखना मुश्किल नहीं है, 500 वर्ड लिखना, 2.5-2 पेज लिखेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका यही एंट्रेंस है समझिएगा, और यही आपकी स्किल को जांचने समझने परखने की गूंज फेलोशिप ने फाउंडेशन ने यह योजना बनाई है। इसीलिए सवाल तो परीक्षा में 5 ही पूछे जाते हैं, 10 ही पूछे जाते हैं, प्रवेश परीक्षाओं में भी कोई व्यक्ति उसमें टॉप कर जाता है, कोई मेरिट में भी नहीं आ पाता, वही आपके सवाल के तरीके के जवाब को देखा जाता है, इस सवाल लिखने का जो जवाब है तरीका है, आपने किस प्रकार से अटेम्प्ट किया है। इसीलिए हो सकता है कॉमन सवाल ये सभी से पूछे जाएं, आपके जवाब लिखने का तरीका ही आपको इंटरव्यू या इस फेलोशिप में सिलेक्शन का मौका देगा। हाँ, फेलोशिप की बात करूँ वही मैंने बताई थी, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 18,000 रुपये प्रति महीने की आपको फेलोशिप मिलेगी और 1 साल तक मिलेगी आपको। एक जगह रहकर भी काम करना पड़ सकता है और कई स्थानों पर घूम घूम कर भी काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको भत्ता वगैरह सब मिलेगा, आपको अच्छी खासी धनराशि मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने के बाद यदि आप छोड़ते हैं तो कुछ पैसा आपसे वापस लिया जाएगा, आप छोड़ भी सकते हैं कुछ कंडीशंस में, सभी के लिए कुछ कंडीशन में, ठीक है। आगे और सवालों पर चलते हैं, ठीक है, ये बीच बीच में बताते रहेंगे। आपके द्वारा पढ़ी गई अंतिम पुस्तक का नाम बताइए और आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए लिटरेचर आ गया, ये लिटरेचर जब मैं बात करता हूँ ये हिंदी लिटरेचर नहीं है, सामाजिक नहीं है, साहित्यिक नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, शैक्षिक नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कोई भी ऐसी साहित्यिक कृति किसी भी भाषा की हो, चाहे हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, विदेशी की हो, या भारत की जनजातीय समाज की, या भारत की कोई भी लोकल भाषा में लिखी गई किताब आपने पढ़ी है आपके जीवन में, उसके बारे में आपको लिखना है, किताब के बारे में नहीं लिखना है, उस किताब को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपके जीवन पर क्या उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट और प्रभाव पड़ा, ये लिखना है आपको। 150 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 10 से 12 वाक्यों में अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यदि 10 वाक्य भी लिखते हैं एक शब्द में तो 10-12 वाक्य कोई मुश्किल नहीं होते, यानी कि 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है, ठीक है। ये कॉमन सवाल है जो पूछे जाएंगे और ये सवाल पूछे गए हैं, इसकी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, 2-3 सवाल और पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि मैं कुछ शब्द बोलूंगा, ठीक है, और ये शब्दों का संबंध होगा लीडरशिप से, इन सभी शब्दों का संबंध होगा लीडरशिप से, यानी कि नेतृत्व की क्षमता से, क्योंकि फेलोशिप में जब हम काम करते हैं ना, किसी भी फाउंडेशन में जब काम करते हैं, फेलोशिप को लेकर काम करते हैं या इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है, तो उन सभी में आपको इंडिविजुअली काम नहीं करना होता, याद रखिएगा। मैं फेलोशिप का फॉर्म कैसे भरना है यही नहीं समझा रहा हूँ, अदर फ्यूचर आप कोई फेलोशिप भरते हैं उसमें ज्वाइन होते हैं तो एज अ टीम के रूप में, एज अ ग्रुप के रूप में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके विषय में भी आपको बता रहा हूँ। इसीलिए सोशल वर्क हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लीडरशिप आपने ना पढ़ा हो, पीस स्टडी ना पढ़ा हो आपने, या फिर आपने मैनेजमेंट ना पढ़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़ा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, नहीं पढ़ा है तो आप समय भी नहीं है, लेकिन जहां से भी इसकी जानकारी मिलती है ना ले लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। नेतृत्व लीडरशिप, उसके कई कीवर्ड्स होते हैं, काम और ऊर्जा, सेक्स वाला काम नहीं, वर्क वाला काम, काम और ऊर्जा,
ठीक है, आपकी एनर्जी, आत्मविश्वास, कोई नई पहल आपने की है, कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी मिलती है आपको नेतृत्व करने की क्षमता में, आपको आत्मनियंत्रण कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। आप कितने सहनशील हैं, कितने सहिष्णुता है आपके अंदर ये भी समझाया जाता है। यदि आप किसी काम में विफल हो गए हैं, आप असफल हो गए हैं, तो उस काम से कैसे उस डिप्रेशन से, उस अटैक से, जो आप जिस किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, आपको एक मानसिक अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे कैसे निकलेंगे, यह सारी क्वालिटी भी लीडरशिप में सिखाई समझाई जाती है। एक और गुण है जोखिम लेना। आपने देखा होगा 1992 की स्कैम जो वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की, रिस्क है तो इश्क है, अच्छी लाइन है। तो वही, यदि आप किसी समूह में काम कर रहे हैं और आपके समूह का एक लीडर है, एक नेतृत्व है, नेतृत्व करता है, तो उसको एक्शन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। यदि निर्णय, डिसीजन, एक्शन नहीं लेगा सबसे पहले नेतृत्व करने वाला लीडर, जिसे नेता भी बोलते हैं, नेता का मतलब लीडर होता है, सरदार बोलते हैं, इसलिए सरदार भगत सिंह और सरदार पटेल दो ही नाम आते हैं हिंदुस्तान में, बड़े चर्चित है, क्योंकि ये लोग अपने निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी टीम के लीडर हैं या टीम में काम करते हैं, आपके पास कोई सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक आइडिया है, तो उसको रखिए और तार्किक तरीके से रखिए, पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए रखिए। इसीलिए जोखिम लेना होगा आपको, ठीक है। ये सभी गुण एक लीडरशिप कर्ता में होने चाहिए। तो इन्हीं सभी गुणों में से आप में कौन कौन से गुण हैं, पहला सवाल पूछा जाए। आप में से यदि इनमें से कोई भी गुण नहीं है, तो आप इनमें से कौन सा गुण या कौन सी क्वालिटी सीखना चाहते हैं, यह भी सवाल किया जाएगा, ठीक है। और आपने इन सभी पॉइंट्स के बारे में, गुणों के बारे में या हॉबीज के बारे में क्या इस जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे इससे पहले कहीं सुना था या पढ़ा था या कहीं लिखा हुआ देखा था, यह भी सवाल करा जाएगा। क्या आपने कभी आत्मनियंत्रण, सहिष्णुता, जोखिम, धन का दुरुपयोग ना करना, आपका उद्देश्य क्या है, निरंतर कार्य में लगे रहना, संसाधनों का सही उपयोग करना, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं आप अपने साथ सब चीज़ों को लेकर नहीं जाते हैं, आप लैपटॉप लेकर जाएंगे, लाइट लेकर जाएंगे, कंप्यूटर लेकर जाएंगे, टैब लेकर जाएंगे, स्वादिष्ट पिज्ज़ा बर्गर लेकर जाएंगे, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहीं के संसाधनों का प्रयोग करना होगा आपको अपने समय और अपनी क्षमता के अनुसार। यही होता है लीडरशिप के अंतर्गत, यही होता है किसी भी फेलोशिप में, और यही मेन उद्देश्य होता है सोशल वर्करों का, समाज की समस्याओं को पहचानना, लोगों को समझाना, और पहचानने समझने के बाद उसका एक दीर्घकालिक हो या लघुकालिक हो समाधान भी देना, कम से कम संसाधनों में, कम से कम समय में और कम से कम धन का उपयोग करके। तो ये सभी गुण आप में हैं या नहीं है, कौन सा सीखना चाहते हैं, इसको लेकर भी 3-4 सवाल आपसे किए जाएंगे और ये सवाल भी मैंडेटरी होंगे, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ सवाल आप पूछे जाएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे कुछ रेफरेंस मांगे जाएंगे कि इस फेलोशिप के बारे में, फाउंडेशन के बारे में आपको पहले से मालूम था या नहीं था, तो कोई रेफरेंस मांगे जाएंगे, कोई आपका दोस्त, कोई आपका कलीग्स काम करता है, करती है या कर चुका है, उसका रेफरेंस दे दीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं देना है, कोई फीस नहीं देनी है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, फोटो नहीं लगानी है, साइन लगानी है। ये दो वीडियो मैंने आपको बना दिए गूंज फेलोशिप को लेकर। गूंज फाउंडेशन में दो फेलोशिप आती है, गूंज फेलोशिप और गूंज ग्रास रूट फेलोशिप। गूंज ग्रास रूट फेलोशिप क्लोज हो चुकी है, जो कि ये थोड़े हायर स्टडीज की होती है, हायर स्तर की होती है, लेकिन ये आई है गूंज फेलोशिप, इसको भरिए। यदि आप 21 से लेकर 30 साल के बीच में हैं, लड़के हों, लड़की हों, ट्रांसजेंडर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भरिए। कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कैसे अटेम्प्ट करने मैंने समझाया, और ये फेलोशिप कैसे काम करती है, कितने कितने चरणों में, उसके लिए पुराने वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। वीडियो कैसा लगा मुझे नहीं पता, कितना आपको समझा पाया ये भी नहीं पता। वीडियो देखने के बाद, फॉर्म भरने के बाद कोई सवाल मन में हो तो पूछ लीजिएगा। 10 जून 2021 शाम 5 या 7 बजे तक, 10 जून 2021 शाम 5 या 7 बजे तक लास्ट डेट है, फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म है, और कोशिश करें यदि फ़ोन से, अपने स्मार्टफोन से फॉर्म को भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो डेस्कटॉप मोड की सेटिंग कर लीजिएगा गूगल क्रोम में जाकर, तभी फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरिएगा, किसी कैफे से भरिएगा, टैब से, पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेता हूँ विदा, अपना ध्यान रखिएगा, पुस्तकों के पास रहिएगा, अपनों के पास रहिएगा, जब जब सीखते रहेंगे तब तक आप जीतते रहेंगे। जोखिम उठाते रहिए, जोखिम ही आपको
जख्मों से निजात दिलाएगा। जय हिंद।